अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जूनागढ़ के जंगलों में कुछ शिकारी शिकार करने आते हैं। उनमें से एक शिकारी बोलता है, सुनो दोस्तों, हम लोगों को इतवार तक एक शेर और एक हिरण का शिकार करके ही ले जाना है, हमें खाली हाथ नहीं जाना। ओह माय गॉड, यानी कि शेर खान और हिरण की जान खतरे में है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे जाकर शेर खान को बताना होगा। शेर खान, शेर खान, शेर खान, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता है आपकी जान खतरे में है, मैंने अभी भी दो शिकारियों को बात करते हुए सुना, वो कह रहे थे कि किसी भी हाल में जिंदा या मुर्दा वो आपको और हिरण को पकड़ के ले जाएंगे। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, शेर खान को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन शेर खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये डायलॉग बाजी का समय नहीं है, ये डायलॉग बाजी बंद करो और ये देखो कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। मेरे पास एक प्लान है, शिकारी को शेर खान और हिरण की ही तो तलाश है, हम सुबह ऐसा कुछ दिखाएंगे उससे ऐसा लगेगा कि जैसे शेर खान हिरण के पीछे दौड़कर उसका शिकार करना चाह रहा है। देखो शिकारियों को क्या चाहिए, एक शेर खान और हिरण, उनको जब शेर खान और हिरण सामने सामने दिखाई देंगे तो वो उसका शिकार करने के लिए जाएंगे और हम संभल के पीछे से उनको पकड़ लेंगे और एक बार में ही उन सारे शिकारियों का खात्मा हो जाएगा। ये बात तो सही है, प्लान तो बहुत अच्छा है, हाँ हम सुबह चल के यही काम करेंगे। ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे दवाई लेने जाना है। और लोमड़ी दवाई लेने के बहाने से वहाँ से निकल पड़ती है और वह डॉक्टर के पास न जा करके उन शिकारियों के पास जाती है और कहती है, नमस्कार शिकारी जी। ये देखो, इसे कहते हैं किस्मत, देखो शिकार खुद को बखुद शिकारी के पास आया है। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं शिकार नहीं हूँ, मैं तो आपकी दोस्त हूँ। दोस्त? और वो कैसे? देखिए, मैं जिनको आप पकड़ने आए हैं मैं उन्हें आसानी से पकड़वा सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि शेर और हिरण को? हाँ हाँ वही, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं बहुत आसानी से उनको पकड़वा सकती हूँ। वेरी गुड, लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, मैं जंगल में सबसे ज़्यादा चालाक जानवर हूँ, लेकिन लोग मुझे इस चीज़ को मानते नहीं हैं, मैं तो शेर खान से भी ज़्यादा चालाक हूँ, मुझे बस ये चाहिए कि मैं इस जंगल का राजा बन जाऊँ, मेरा मतलब है कि मैं इस जंगल की रानी बनना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि तुम जंगल से गद्दारी कर रही हो? जनाब, इसीलिए तो मुझे चालाक लोमड़ी कहते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि हम शेर और हिरण को आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं? लोमड़ी ने शिकारियों को पूरा प्लान बताया जिससे कि वह आसानी से शेर और हिरण को पकड़ सकें। सुबह का समय था, सारे शिकारी शेरन और शेर की घात लगाकर बैठे हुए थे। सब लोग चुपचाप देखते रहो, अभी शेर और हिरण आने वाला होगा, इस बार शिकार हमारे हाथ से निकल ना जाए। जी सरकार। शिकार हमें जिंदा पकड़ना है। जी सरकार। थोड़ी ही देर बाद जानवरों के प्लान के मुताबिक शेर खान हिरण का पीछा करता हुआ जंगल में दौड़ने लगा और तभी सारे शिकारी उन दोनों को बरगद के पेड़ के नीचे घेर लेते हैं। वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊँगा, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की तो ये गोली चलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। हाँ हाँ शिकारी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और मैं भी। देखा लोमड़ी, तुम मतलब तुमने हमारे साथ गद्दारी की? हाँ, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम में कल नहीं रही, अब मैं यहाँ की रानी बनूंगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने तो बिल्कुल भी अकल भी नहीं है शेर खान। अकल शेर खान में नहीं, तुम में नहीं है। हाँ, हमने तुम्हारा प्लान पहले ही पता कर लिया था। अब तुम सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम सब यहाँ पर शेर खान को बचाने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम इन शिकारियों की बंदूकों के आगे कुछ कर पाओगे? हाँ, अब जब हम सब लोग एक साथ हैं तब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या पक्के हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमारी बंदूकों के आगे टिक पाओगे?
और अगर किसी ने भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो ये गोली चलाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। चैन खुलेगी मैम, खुलेगी चैन खुलेगी मैम, खुलेगी चैन खुलेगी मैम, खुलेगी चैन। सारे जानवरों को अपने ओर आते हुए देखते हुए शिकारी डर जाते हैं। तभी उनके पीछे से बंदर आकर के रस्सी खींचता है और सारे शिकारी उल्टा लटक जाते हैं और उनकी बंदूकें भी उनके हाथ से नीचे गिर जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ। क्यों लोमड़ी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी? अरे हमें तो तुम पर पहले ही शक हो गया था। लेकिन तुमने उसमें एक गलती कर दी। तुमने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी हमने तुम्हारा पीछा किया और वहाँ हमने तुमको शिकारियों से बात करते हुए सुना। उसके बाद हमने यहाँ पर फंदे बिछा दिए थे। अब बता लोमड़ी, अब तेरे साथ क्या किया जाए? तुझे मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए? इसे मार दिया जाए, क्योंकि गद्दारों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मुझे माफ़ कर दो सरदार, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। नहीं, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, तेरी सजा सिर्फ सिर्फ मौत है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। देखो सरदार, इसको मारने से पहले ये तो देख लो इन शिकारियों का क्या करना है। इनको छोड़ दिया जाए। शेर खान, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो तुम्हें मारने आए थे। ये मुझे मारने तो आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वो तुम मुझे गोली नहीं चलाएंगे। इसका मतलब ये लोग मुझे मारने नहीं आए थे। और अगर कोई इंसान हमें मारना नहीं चाहता तो हमें भी उसको नहीं मारना चाहिए। वाह शेर खान, ये तो तुमने बहुत सही बात कही। तभी बंदर उन शिकारियों की रस्सी खोल देता है। अब आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। धन्यवाद शेर खान, और आज हम भी ये पढ़ लेते हैं कि हम भी कभी शिकार नहीं करेंगे। माफ़ी शेर खान, माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तेरे जैसे गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है, माफ़ी नहीं। मुझे माफ़ कर दो शेर खान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। हाँ तुम ठीक कहते हो शेर खान, मेरे जैसे जो गुनाह मैंने किया है उसकी सच में मेरी कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती। हाँ शेर खान, तुम मुझे मार ही दो। हाँ शेर खान, मुझे मार दो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, तुम्हें इस बार मैं छोड़ता हूँ और तुम्हें माफ़ भी करता हूँ। और हम सब तुम्हें माफ़ करते हैं, जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। धन्यवाद शेर खान, धन्यवाद। इन लोगों ने मुझे यहाँ से जिंदा जाने की जो अनुमति दी है ना, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सब लोग एक साथ मिलजुल कर किसी भी परेशानी का अगर सामना करें तो उसमें अवश्य ही सफल हो